and welcome to my brand new car. Money busting out the money clip. Make a call and hit another lick. Yeah. Turn a 10 piece to a 20 quick. I got money busting out the money clip. Make a call and hit another lick. Someone get the money counter, I can keep on thumbing it. Turn a 10 piece to a 20 quick. I got money busting out the money clip. Make a call and hit another lick. Someone get the money counter, I can keep on thumbing it. Okay, I'ma hit for 20 off a laptop. In a Zoom meeting, making money as my backdrop. Ballpoint bass hit harder than a slap shot. Flew up my baby, told her around me like I'm Epcot. वीडियो बंद कर दूं? नहीं आजा अपनी गाड़ी समझ यार क्या हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक है, जैसे मजे में होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड माय वेलकम नहीं एंड वेलकम टू माय ब्रांड न्यू कार। नई गाड़ी ले लिया तो वो समझ नहीं आ रही क्या बोलना है। खैर बॉयज, ऑडी A4 2016 मॉडल में हम इस वक्त बैठे हैं। माशाल्लाह नई गाड़ी है। सबसे पहले तो मैं इसका थ्रॉटल रिस्पांस आपको चेक करवाता हूं, जरा चेक करो। गाड़ी यार हमें मिल नहीं रही थी, डेढ़ महीना हो गया। मैंने कहा यार कुछ नहीं होता, पैसा तो बहुत है, तो फिर यार महंगी गाड़ी ले लेते हैं। ऑडी A4 हमने ले ली 2016 मॉडल। इतने झूठ अच्छे नहीं होते। गाड़ी मिल नहीं रही, ऊपर से झूठ बोली जा रहे हैं आप। करो ला के आगे आपने ऑडी ले ली है। व्हाट इज दिस यार, चलो कुछ नहीं होता। इसने लिया ये गाड़ी, ये CHR वाले डोरेमोन वाले भाई ने। ऑडी A4 है ये। मैं आपको थोड़े बहुत स्पेक्स बता दूं इस गाड़ी के। 1.4 लीटर ट्विन टर्बो में आती है ये। ट्विन टर्बो होता है ना, ट्विन टर्बो होता है और टर्बो लैग डेफिनेटली इस गाड़ी में भी है। टर्बो चलता है तो भाई रिस्पॉन्स बहुत मजे का होता है गाड़ी का। खैर टर्बो चलता है तो स्पीड ज्यादा होता है, जब टर्बो कम होता है स्पीड कम होता है। बारिश आता है तो पानी आता है ना। बड़ी ठंड हो गई यार, बड़ी ठंड हो गई है। ठंडी मारी जा रहा है, ईद के तीसरे दिन ठंडी मार रहा है। मुझे तो गाड़ी नहीं मिली साहब, लगाओ ये जिस दिन गाड़ी लेके आया था ना उस दिन मैं अपने आप अपने ऊपर हंस रहा था कि ये तुझे गाड़ी नहीं मिल रही है, ये खुदकुशी करने लगा था। व्हाट इज रॉन्ग विद यू। तो अभी ये देखो माशाल्लाह इसने गाड़ी खरीद ली है, अल्लाह ताला इसको मुबारक करे और अच्छी चले ये। माशाल्लाह बहुत खूब मजे की गाड़ी है, बहुत मजेदार ड्राइव है इस गाड़ी की। जिसकी किस्मत में लिखी थी उसको मिल गई। और याद करो अभी चंद हफ्तों पहले यही बात कर रहा था कि गाड़ी 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 ना करो यार, गाड़ी गाड़ी ना करो, कोई अच्छी सी गाड़ी ढूंढ और बस कर दो गाड़ी की जान यार। जितनी तुमने गाड़ी गाड़ी कर ली ना, मुझे गाड़ी से भी नफरत हो गई। और आज खुद गाड़ी नहीं लेके बैठा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बॉयज, इसका 0-100 चेक करते हैं। ठीक है भाई, जबरदस्त है। भाई बाहर से तो गाड़ी बहुत खूबसूरत है और आपने बखूबी देखी होगी, पहले भी देखी होगी। अंदर से एक बार चेक करते हैं। इसका इंटीरियर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है यार, पैसे पूरे करता है। बड़ी ही एग्जीक्यूटिव फील है भाई इसके इंटीरियर की। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्पीडोमीटर बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे इसके क्लाइमेट कंट्रोल्स हैं, यहाँ पे इसके ये ड्राइव सेलेक्ट करना होता है आपने। जैसे कि इसके अंदर कम्फर्ट है, ऑटो है, ऑटोमेटिक में ये खुद आपके वो ड्राइविंग स्टाइल पे देखती है कि यार कौन सी इसकी सस्पेंशन हार्ड रखनी चाहिए स्टिफ रखनी। और यहाँ पे इसके डायनेमिक है, डायनेमिक में इसकी सस्पेंशन थोड़ी स्टिफ हो जाती है। उसके अलावा यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल है, उसके अलावा पावर, ये इसके पार्किंग सेंसर्स हैं, ऑटो पार्किंग है, और यहाँ पे इसका ये जो LCD इसको बंद करने का बटन है। उसके अलावा यहाँ पे आपको इसके वही मेन्यू, ये जो LCD के कंट्रोल्स हैं, यहाँ से आप इसको जो है LCD के अंदर आप घूम फिर सकते हैं। अगर आपने इसके अंदर ड्राइविंग मोड सेलेक्ट करना है तो यहाँ से भी हो सकता है, और यहाँ से इसको आप गोल गोल घुमाएंगे तो आपका जो ड्राइविंग मोड है वो सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपका गियर नॉब आ जाता है, माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार डिज़ाइन में इसका गियर नॉब है, पार्किंग, और उसके अलावा ये वॉल्यूम बटन। स्टीयरिंग की बात करें, स्टीयरिंग बहुत खूबसूरत है इसका। ये जो स्नैपें अक्सर लगती हैं बॉयज़ की, वो ये इसकी लगती हैं, और ये पैसे भी पूरे करता है। पेडल शिफ्टर्स हैं, उसके अलावा वॉल्यूम कंट्रोल यहाँ पे भी है, और इसके इंडिकेटर्स यहाँ पे लेफ्ट साइड पे होते हैं। जब मैं पहली दफ़ा चला रहा था तो मैंने इसके जो है वो ये वाइपर चला दिए थे। और यहाँ पे इसके लाइट्स का बटन है, ये ऑटोमेटिक, उसके अलावा ये है पार्किंग, ये है इसकी हेडलाइट। क्या हो गया, अपनी गाड़ी समझ आ जाए। ये भी आपने देख लिया कि इलेक्ट्रिक सीट्स वाला फीचर भी है, ये इसने थोड़ी सी शोखी मारी है। अच्छा मेन चीज़ तो हम भूल ही चले जा रहे हैं, यहाँ पे इसका सनरूफ है। क्या बात है उनको नहीं पता सनरूफ कहाँ पे होता है।
तो बच्चों के हाथ में खिलौना नया नया आता है तो वो सारा दिन उसी के साथ खेलते रहते हैं। मेरा भी तकरीबन वही हिसाब है। स्टीयरिंग भी खो अपनी तरफ कर लो ना, टेलीस्कोपिक है, पता है मुझे, पता है मुझे। अच्छा बॉयज, ये गाड़ी तकरीबन अली को खरीदे तकरीबन 2 हफ्ते हो गए ना, 2 हफ्ते हो गए हैं, और इस गाड़ी को अगर कंपेयर करें ना, आपने सही पकड़ा था कैमरा, अगर इस गाड़ी को हम कंपेयर करें लोकल मार्केट की गाड़ियों से, जैसे कि सिविक वगैरह से, तो मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट जो भी न्यू सिविक आई है मैंने अभी तक नहीं ड्राइव की। पिछली वाली जो गाड़ी थी, पिछला जो मॉडल था उसका, वो मैंने ड्राइव किया था, और टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वॉज नॉट एट ऑल इम्प्रेस्ड बाय द अमाउंट पीपल आर पेइंग फॉर दैट कार। वो गाड़ी वर्थ इट नहीं है। जब मैंने इस गाड़ी को चलाया है, जब मैंने इस गाड़ी के अंदर बैठा है, गाड़ी की फील ही बता देती है भाई कि उसके पैसे पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ये गाड़ी अपने पैसे पूरे करती है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है ये गाड़ी लोग अक्सर क्यों नहीं लेते, मार्केट की गाड़ी नहीं है, इसकी रीसेल वैल्यू कम है, या फिर इसलिए भी वजह होती है कि यार इसके पार्ट्स महंगे हैं, इसकी सर्विस महंगी होगी, इसकी जो मेंटेनेंस है वो कंपैरेटिवली सिविक से महंगी होगी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इवेंचुअली ये गाड़ी आपके पैसे भी तो पूरे कर रही है, अगर मेंटेनेंस थोड़ी सी भी महंगी है। आपने इसके ब्रेक शू डलवाए थे, मेरा कह रहा 30,000 के इसके ब्रेक शू चेंज हुए थे, और ये आपको पड़ी कितने की गाड़ी? अराउंड 8 मिलियन की ये गाड़ी इनको कॉस्ट की है, और नई वाली सिविक का भी आपको पता है कितने की है, तो थोड़े बहुत पैसे ऐड करके वर्थ इट चीज, मेरा ख्याल है उससे बेहतर चीज है ये। मेहनती बच्चा अली भाई, बड़े अच्छे लग रहे हैं आप। चलो भैया, ऑडी के साथ इतना ही साथ था, लेट्स गो, और देखते हैं अब क्या करना है। ईद का तीसरा दिन है, ये भी एंजॉय करते हैं। यार एक और चीज, क्या मैं तो कुछ बताना चाह रहा था, कितने की ली थी ये? 2.5 मिलियन की। Shut the fuck up। यार भाई फर्क भी तो है ना, 8 मिलियन और 2.5 मिलियन को यार कंपेयर कर रहा है, ये तो गलत बात है, दिस इज रॉन्ग। अभी हम सोच रहे हैं कि कोई मूवी शूवी देख ली जाए, और चलते हैं और देखते हैं कि टिकट्स मिलती हैं हमें या नहीं मिलती, क्योंकि ईद के दिन है, मुश्किल ही है कि टिकट्स हमें ऑन द स्पॉट मिले। तो अभी हम 1-2 घंटे पहले शो के जा रहे हैं, 10:30 का शो है मेरा ख्याल है। बाकी रही बात अपनी गाड़ी की, तो दुआ करें मुझे भी गाड़ी मिल जाए जेन्युइन। मैं जितना आप लोगों को इंतजार है ना बॉयज, उससे डबल मुझे इंतजार है। आप लोग कमेंट्स में पूछ रहे हो कि भाई गाड़ी ले ली या नहीं ली, क्या सीन है, तो मुझे भी जल्दी है यार बॉयज, आई एम ट्राइंग। ईद के दिन तो आपको पता है, अभी ईद के दिन मैं गाड़ी ढूंढने चला जाऊँ तो वो भी गलत होगा, इसलिए ईद के दिन छुट्टियाँ चल रही हैं, कोशिश साथ साथ है कि मिल जाए, और लेट्स होप सो के गाड़ी जल्दी मिल जाए। खैर उसको बाद में बात करेंगे गाड़ी की, अभी चलते हैं और देखते हैं कि भैया हमने कौन सी मूवी देखनी है। लो भैया, हमने कल भी एक्सीडेंट देखे थे, आज भी हमने एक और एक्सीडेंट देख लिया। भाई साहब भाई, बहुत देर कर दी आपने, जल्दी करो। इससे भी ऊपर है। 15 minutes later। लो भैया वापसी का सफर है, जिस मूवी की टिकट लेने आए थे डॉक्टर स्ट्रेंज, वो माशाल्लाह हमें पता चले वो कल रिलीज हो रही है। ये ऑल द क्रेडिट गोज टू दिस गाय, इसने कहा था कि आज का शो होगा डॉक्टर स्ट्रेंज का 10 बजे का और 12 बजे का, लेकिन नहीं है, और ये पाकिस्तानी मूवी देख नहीं रहा। ये देखो कैसा, मैं तो पेट्रियोटिक हूँ, मैंने रात के 10 बजे घर, हम टाइम से जाएंगे, वालदैन को वक्त दे। डॉक्टर स्ट्रेंज 12 बजे देखने के लिए तैयार था ये। खैर अलबत्ता अभी का सीन ये है कि मूवी सीन जो है वो कैंसिल हो गया है, आगे मेरे अंदर एनर्जी कम है, इस बंदे ने और एनर्जी मेरी डाउन कर दी है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जा रहे हैं। अब अमेजोन किंग भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, ये कह रहे हैं हमने मूवी देखनी है, और ये जो पीछे बैठा हुआ है ये कह रहा है भाई मैंने पाकिस्तानी मूवी नहीं देखनी। पता नहीं इसका पेट्रियोटिज्म किधर चला गया, कहता है मैंने सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज देखनी है। ये अब झूठ बोल रहा है। इस बात की गवाही देता हूँ, इस बंदे ने कहा कि मैं पाकिस्तानी मूवीज देखूंगा नहीं। अच्छा यार, हमने अपने बॉय को एक भेजा है, वो काउंटर पे आपको नजर आ रहा होगा टिकट पता करने। लेट्स सी कि हमें कौन से शो की टिकट मिलती है। घबराना नहीं है, 1 बजे मिल रही। अभी क्या टाइम हो रहा है, बहुत लेट हो जाएंगे यार, आजा चेक कर कहीं और। जिसका दिल नहीं कर रहा ना वो ये हरकतें कर रहा है कि भाई अच्छी बात है टिकट्स ना मिले। क्या बात है यार, 350 वाइड बॉडी ऊपर से, वेरी नाइस। या खाना खा के निकले हैं, ऐसी सेटिस्फाइंग फीलिंग है कि क्या बताऊं मैं आपको। पहले स्टेक जो खाया था, बीफ खाया था यार, बहुत मज़ा आया था, लेकिन इस दफ़ा चिकन खाया मज़ा नहीं आया। और अगर आप भी बोमिनोज आ रहे हैं और स्टेक खाना चाह रहे हैं तो बीफ में ही ट्राई कीजिएगा, चिकन में वो मज़ा नहीं है जो बीफ में।
अच्छा बॉयज, खाने के बाद ये कुछ मीठा खाने आए हैं, हम पीने बल्कि आए हैं। तो इस ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इंस्टा पे लाजमी फॉलो कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दोनों को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। डेली रूटीन इसी तरह होती है यार, आज का थोड़ा सा एनर्जी लेवल कम था, ऊपर से मूवी भी नहीं देख पाए इस बंदे की वजह से, तो कोई नहीं, फिर सही। क्या हुआ भाई, कर दो बंद अब। अच्छा। सामने से बना, जब मैं दो तीन बातें कर दूंगा ना, फिर तूने बीच में बोल देना। नहीं नहीं कि भाई यार क्या हो गया, झूठ कितना बोल लोगे। अच्छा ठीक है, अब गाड़ी नहीं मिल रही तो झूठ बोलना शुरू हो जाओगे। ठीक है, ये बोल दें। ठीक है, अच्छा तो क्या बस तारीफ करूँ, हो गया भैया आपका ठीक आ रहा होगा। नहीं तू इस तरह ना बना, तू उधर उधर बैठ के बना ले। क्या कर रहे हसलो हसलो, नई गाड़ी ली है तुमने, तुम हसलो, मैं भी हंसूंगा जिससे मैं लूंगा। अच्छा इधर आ, वीडियो बना। नहीं मुझे मजा आ रहा है। तुमने बंद कर दिया वो लाइटें, बंद हो गई। लाइटें बंद ही रहने, क्या करना। सनरूफ क्या मतलब है, सनरूफ छत पे होगा, वो साइड पे थोड़ी होगा यार। ये यार देख के वो भूल गए सनरूफ है क्या यार। भी ये मेरा ख्याल है ईद का कोई पांचवा या चौथा एक्सीडेंट है जो हमने मिल के देखा है, और मैंने ब्लॉग में भी दिखाया। तो ये तो ओहो लगी भी इस दफा काफी हैवी है, गाड़ी काफी गंदी लगी है। मेहरान के अंदर हिट हुई है ये करोला पीछे जो गाड़ी है, और फ्रंट लेफ्ट साइड उसकी तबाह हो गई है। तो कहने का मकसद पता ही है फिर आपको, आराम से चलाएं, ख्याल से चलाएं। पसंद आया तो वीडियो को लाइक, एक सेकंड ब्रदर्स, छह सौ एक सेकंड फॉर में आ देना एक सेकंड। वो बदतमीजी करी जा रहा है यार।